मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की गरौड़ विधानसभा में उपचुनाव की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 27 तारीख को कल चुनाव का मतदान होना निर्धारित है और चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्री भाजपा नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का कभी भी सम्मान नहीं किया गया है, पूरे चुनाव में उल्लंघन किया जाता रहा है और कोई कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। अभी हाल ही में कल एक ऐसा मोबाइल की उनका वार्तालाप वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरौड़ के ही एक भाजपा के अन्य नेता जो कि स्वयं दावेदार थे राजेश चौधरी जी, उनको फोन पर वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि आप अच्छे उम्मीदवार थे, आपको टिकट नहीं मिला है, लेकिन हमारी पोजिशन इस बार चूंकि वह अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तो आपको अपने समाज के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ भारी भारी तादाद में भाजपा के पक्ष में मतदान कराना है, विजयी कराना है और मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव के बाद मैं आपका सम्मान करते हुए आपको इससे बड़ा पद देकर आपको सम्मान करूंगा, उपलब्ध करूंगा। ये सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, भ्रष्ट आचरण है, प्रलोभन है। हमने इस संबंध में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायत प्रेषित करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण दर्ज करने की मांग की है और मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ा गंभीर अपराध किया गया है, इसलिए तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्लिप तो आपके दी जा चुकी है, शुद्ध रूप से जैसा मोहन प्रकाश जी ने फरमाया, मुख्यमंत्री जी सरकारी पद देने के लिए राजेश चौधरी जी को प्रलोभन दे रहे हैं, उनसे कोरवाल जाति के लोगों के समर्थन मांग रहे हैं। ये दोनों निर्धारित माननीय चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता के विपरीत है और इसीलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे तत्काल इसका संज्ञान लेकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जैसा कि मोहन प्रकाश जी ने फरमाया है, ये विधानसभा क्षेत्र जो है राजस्थान से लगा हुआ है, सामान्य तौर पर बॉर्डर सील करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल खुला बॉर्डर है और ये आशंका भी लोगों ने जताई है, क्योंकि बीएलओ स्लिप जो आती है उसमें इतनी खराब उसमें प्रिंटिंग होती है कि शक्ल पहचान भी नहीं सकते कि आदमी ये पुरुष है या महिला है या फला व्यक्ति है, जबकि वोटर कार्ड सबको फोटोग्राफ के साथ मिल चुके हैं, आधार कार्ड मिल चुके हैं, तो बीएलओ स्लिप के आधार पर वोटिंग नहीं होना चाहिए, ये भी हमने इनसे अनुरोध किया है।